छह दिन से लापता नजीब अहमद की मां ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। 14 अक्टूबर को गायब हुए नजीब अहमद को ढूंढने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है, ये कहना है स्टूडेंट्स का, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का घेराव किया और 21 घंटे तक वीसी को बंधक बनाए रखा। इस मामले में राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट मांगी है। गुजरात में हार्दिक पटेल का पाटीदार आंदोलन, उसके बाद दलितों के लिए जिग्नेश बेवानी का दलित आंदोलन और अब हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली ने गुजरात बीजेपी को बेचैन कर दिया है। आलम यह है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को जल्द ही चुनाव के लिए तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। सारी अटकलों के बीच आखिरकार रीता बहुगुणा ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में कदम रखा। वो 2007 से 2012 तक कांग्रेस की अध्यक्ष थी। यूपी में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित होने से नाराज की थी। जाते जाते उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा वो राहुल गांधी के खून के दलाली वाले बयान से आहत हुई। अगर आप रिलायंस जियो का सिम खरीदने का सोच रहे हैं तो जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद रिलायंस जियो आपको वेलकम ऑफर नहीं देगा, मतलब कि फ्री इंटरनेट नहीं मिलेगा। फोन से लेकर चप्पल तक और छतरी से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ तो चाइना में बनता है। अब इतनी सारी रोजमर्रा की चीजें अगर हम बैन कर देंगे तो कैसे चलेगा।